बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये वो मीना वोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो अल्बानिया ई वीज़ा है। अगर आप पाकिस्तान से या दुनिया के किसी भी मुल्क से अल्बानिया का ई वीज़ा जो है वो किस तरह से अप्लाई करेंगे, पूरा आपको वीज़ा अप्लाई करके प्रैक्टिकली लैपटॉप की स्क्रीन पर जो है वो दिखाने जा रहा हूँ। वीज़ा फ़ीस कितनी है, वीज़ा फ़ीस किस तरह से पे करेंगे, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, पूरी डिटेल ए से लेकर जेड तक जो है आज की वीडियो में आपको जो है बताई जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। इस वक्त अल्बानिया ई वीज़ा की इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं मौजूद हूँ, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करना है और यहाँ पे छोटा सा सिंपल ये अपना नाम वगैरह ईमेल एड्रेस दे के अपना अकाउंट जो है बना लेना है। जो ही आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो लॉगिन कर लेना है, लॉगिन करने के बाद आपने वीज़ा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देना है। मेरा चूंकि अकाउंट बना हुआ है तो लिहाजा मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। मैं यहाँ पे अप्लाई नाउ वाली ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो चूंकि टाइप सी विजिट वीज़ा कैटेगरी जो है कहलाती है, तो आपने इस वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। और अल्बानिया का ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको इन्विटेशन लेटर की ज़रूरत होती है, तो आपने इस वाली ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद, सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और अप्लाई वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, अब आपने जो है यहाँ पे सबसे पहले जो है अपनी प्लेस ऑफ रेजिडेंस जो है वो देनी है, तो मैं यहाँ पे जो है पाकिस्तान जो है वो लिखूँगा। पाकिस्तान जो ही आप लिखेंगे तो दो काउंसलर आपको यहाँ पे ऑफिस जो है नज़र आएंगे, तो मैं इस्तांबुल यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। आप अपना यहाँ पे पासपोर्ट से देंगे, फैमिली नेम देंगे, फर्स्ट नेम देंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देंगे, पर्सनल ID, अपना अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पर आप देंगे, प्लेस ऑफ बर्थ और कंट्री ऑफ बर्थ आप अपनी शहर और सिटी यहाँ पर देंगे। इस वक्त आपके पास कौन सी नेशनलिटी है, जब आप पैदा हुए थे उस वक्त आपके पास कौन सी नेशनलिटी थी, वो यहाँ पे पाकिस्तान पाकिस्तान लिखेंगे। मेल हैं, फीमेल हैं, वो वाली ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। मैरिड हैं, सिंगल हैं, अपनी रेलिवेंट ऑप्शन चूज़ करेंगे। फादर का नाम देंगे, मदर का नाम देंगे। रेजिडेंट परमिट जो है फ्रेंड्स हमारे पास चूँकि नहीं है, मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ, यहाँ पर नो वाली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट वाली ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, ऐसे तमाम क्वेश्चन जिनके साथ ये स्टार लगा हुआ है ये कम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन हैं, इन कॉलम्स को आपने लाजमी तौर पर फिल करना है। और ऐसे तमाम कॉलम जैसे कि ये 1.4 है, ये वाला जो कॉलम है इसके साथ स्टार नहीं है, इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं, और अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन कोई मौजूद हो तो आप दे भी सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, तो मैं नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करूँगा। फ्रेंड्स, अब आपने यहाँ पे पासपोर्ट वाला पोर्शन पे हम जो है वो आ चुके हैं। यहाँ पे पासपोर्ट अपना नेशनल पासपोर्ट लिखेंगे, पासपोर्ट का नंबर देंगे, पासपोर्ट इशू कहाँ से हुआ है पासपोर्ट से दे के यहाँ पर देंगे, पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू, पासपोर्ट की एक्सपायरी यहाँ पर देंगे। यहाँ पे आपको जो है वो पूछ रहा है कि आपके पास कोई रेजिडेंट परमिट है, यानी किसी और कंट्री में आप इस वक्त रिहाइश पजीर हैं या नहीं, तो मैं नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ। फ्रेंड्स, आप दोबारा से अपना पर्सनल नंबर में यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर दे सकते हैं और उसकी एक्सपायरी दे सकते हैं, और यहाँ से देने के बाद नेक्स्ट वाली ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जो है अब आपको ये पूछ रहा है कि आपको इंडिविजुअल वीज़ा चाहिए, तो यस, यहाँ पर टाइप सी कैटेगरी बाई डिफ़ॉल्ट सेट है, चूँकि हमने विजिट वीज़ा जो है वो अप्लाई करना है। पर्पज़ ऑफ ट्रिप आपको पूछ रहा है, यहाँ पर टूरिज्म देंगे, कौन सी डेट को वहाँ पर पहुँचेंगे, कौन सी डेट को वहाँ से वापस आएंगे। इसके अलावा जो है आपको सिंगल एंट्री वीज़ा चाहिए, मल्टीपल चाहिए, कितने दिनों का वीज़ा चाहिए, बाई एयर जाएंगे, बाई रोड जाएंगे, बाई एयर यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब आपने यहाँ पे बताना होगा कि अल्बानिया जो है किस जगह पे आप पहुँचेंगे, तो जो भी एयरपोर्ट का नाम है वो रेलिवेंट ऑप्शन यहाँ पर चूज़ करेंगे। इस वक्त जो है आपका कौन सा जॉब या बिज़नेस की यहाँ पर जो है डिटेल देंगे, यहाँ पर जो फाइनल एंट्री की परमिट की जो कंट्री है, अगर तो आप पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री में जाएंगे तो वो यहाँ पर डिटेल देंगे। और यहाँ पे जो है अगर आपके पास रेजिडेंट परमिट किसी और कंट्री का मौजूद है तो उसका इशू डेट यहाँ पे जो है वो देंगे। और नीचे जो है अब आपने बताना होगा कि आपने पिछले 3 सालों में कोई और वीज़ा जो है आपको ग्रांट हुआ है या नहीं, और इसके अलावा अल्बानिया का भी वीज़ा आपने पहले लिया है या नहीं, तो रेलिवेंट ऑप्शन चूज़ करने के बाद आपने नेक्स्ट वाली ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स, अगले पार्ट में आपको ये फैमिली की डिटेल पूछ रहा है, यहाँ पे आपने अपनी वाइफ की डिटेल, बच्चों की डिटेल जो है वो देनी होगी। नीचे जो है अगर अल्बानिया में कोई आपका बंदा फ्रेंड और फैमिली मेंबर मौजूद है उसकी डिटेल जो है वो आपने देनी होगी, और नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब आपने यहाँ पे जो इन्विटेशन लेटर आपने जो है अल्बानिया से लिया होगा उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे जो है वो देनी है, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया है कि इन्विटेशन लेटर के बगैर आप ये वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये पूरी डिटेल जो है आपने इन्विटेशन लेटर की जो है वो देनी होगी, और उसको देने के बाद आपने नेक्स्ट वाली ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आपने यहाँ पे अपना घर का जो एड्रेस पाकिस्तान में मौजूद है वो यहाँ पे जो है वो देना होगा, ईमेल एड्रेस देना होगा, टेलीफोन नंबर देना होगा, और जिस जगह से आप ये वीज़ा पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान लिखने के बाद डेट देंगे और नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वीडियो के आखिरी पार्ट पर जो है वो आ चुके हैं। अब आपको आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो है वन बाई वन अपलोड करने होंगे। अब यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है चाहिए होंगे ये भी आपको जो है मैं बता देता हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अल्बानिया ई वीज़ा के हवाले से हम कोई भी सर्विस जो है वो अप्लाई करने के हवाले से कोई सर्विस जो है वो प्रोवाइड नहीं करते।
सिर्फ और सिर्फ वीज़ा फ़ीस जो है, अगर आपने अल्बानिया ई वीज़ा की पे करनी है तो उस हवाले से आप हमारे सर्विस चार्जेस जो है वो पे करके तो हमसे ये सर्विस जो है वो ले सकते हैं। हमारा यूरोप के अंदर बैंक अकाउंट मौजूद है, वहाँ से हम आपकी अल्बानिया ई वीज़ा की फ़ीस पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। उसके लिए आप हमसे सर्विस जो है वो पेड जो है वो ले सकते हैं। अगर आप रब्ता करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है, वहाँ से आप रब्ता जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा कनाडा, अमेरिका, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या शेंगन या दुनिया के किसी भी मुल्क का विजिट वीज़ा की फाइल प्रिपरेशन अगर आप हमसे जो है करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे पेड कंसल्टेशन जो है वो ले सकते हैं। उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस मौजूद है, वहाँ से आप रब्ता कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ वही अफराद रब्ता करें जिनके पास प्रॉपर जॉब और बिजनेस के डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है और प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट जो है मौजूद है। वीडियो की तरफ जो है फ्रेंड्स वापस आते हैं। सबसे पहले अब आपने यहाँ पे अपनी तस्वीर जो है अपलोड जो है वो करनी होगी। फ्रेंड्स अब आपने यहाँ पे अपने पेरेंट्स की तरफ से एक कंसेंट फॉर्म जो है वो फिल करना है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है, आप नाबालिग हैं, तो फिर आपने इस पोर्शन पे ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वरना इसको हाल ही छोड़ देना है। यहाँ पे जो है वो आपने अपने पासपोर्ट की कॉपी अपलोड करनी है। यहाँ पे आप अल्बानिया का इनविटेशन लेटर जो है अपलोड जो है वो करेंगे। यहाँ पे जो है वो आपने, अगर रेजिडेंट परमिट आपका पास किसी कंट्री का मौजूद है तो वो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे, अगर नहीं मौजूद तो उसको हाल ही छोड़ दें। यहाँ पे आप अपने एक साल की बैंक स्टेटमेंट जो है यहाँ पे आपने अपलोड जो है वो करनी होगी। यहाँ पे आपने अपने ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो उसकी जो है डॉक्यूमेंटेशन की कापी जो है यहाँ पे जो है वो अपलोड जो है वो करनी है और नेक्स्ट वाली ऑप्शन पर जो है वो क्लिक करना है। फ्रेंड ये जब पूरा वीज़ा प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका जो स्टेटस है यहाँ पे ओपन यहाँ पे आपको जो है वो शो होगा। आपके डैशबोर्ड पे आप वापस आएंगे तो ओपन यहाँ पे जो है शो होगा। सेकंड फेज़ में जब आपकी जो है वो एप्लीकेशन जो है पहले फेज से गुजर जाएगी तो आपको वेटिंग फॉर पेमेंट वाली ऑप्शन जहाँ पर नज़र आएगी, तो फिर आपने हमसे जो है वो रब्ता करके अपनी फ़ीस जो है वो पे कर सकते हैं। ये यूरोपियन बैंक से आप जो है वो पे करेंगे। पाकिस्तान में कोई भी ऑप्शन इस वक्त मौजूद नहीं है जहाँ से आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या लोकल पाकिस्तानी बैंक अकाउंट से ये फ़ीस जो है वो पे कर सकें। सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन बैंक अकाउंट से आप ये फ़ीस जो है वो पे कर सकते हैं, तो उसके लिए आप हमसे जो है ये सर्विस ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो पूरा वीज़ा प्रोसेस ए से लेकर जेड तक जो है अल्बानिया का आपने जो है वो करना होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।